नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ये रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम उस वक्त दर्ज हुआ है जब G20 समिट में भाग लेने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत पहुंचे। G20 समिट शुरू होने से पहले ही द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 77 मिनट तक चली। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए करीब 50 मिनट से ज्यादा वक्त तक एक दूसरे के साथ बिताया, जो रिकॉर्ड कायम कर गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भारत आकर अपना कीमती वक्त बिताया हो। पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान जो बाइडेन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हैं जो भारत आए हैं। वहीं द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुले, मुक्त, समावेशी और लचीले हिंद प्रशांत का समर्थन करने में क्वाड समूह के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच 50 मिनट से ज्यादा चली बातचीत में भारत की G20 अध्यक्षता, परमाणु ऊर्जा सहयोग, 6G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मौलिक रूप से नया आकार देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत दोनों देशों की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी। तो वहीं जो बाइडेन पहले प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया है। इससे पहले भी साल 2015 में पीएम मोदी के ही कार्यकाल के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा ने भारत का दौरा किया था। वहीं साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत का दौरा किया था। तब भी भारत में अमेरिका के दोनों प्रेसिडेंट का स्वागत पीएम मोदी ने ही किया था। हालांकि भारत आने के सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर थे। आइजनहावर दिसंबर 1959 में भारत आए थे। उन्होंने भारतीय संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया था और ताजमहल भी देखने गए थे। वहीं इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी भारत आ चुके हैं। वहीं बात करें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात की, तो इस मुलाकात से हमारे पड़ोसी जरूर जलमग्न गए होंगे, क्योंकि पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता तो कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो देश दुनिया में सुपर पावर है यानी नंबर वन है, आज वो भारत को इतनी तवज्जो दे रहा है, तो इससे साफ है कि आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसकी दोस्ती की जरूर सुपर पावर को भी जरूरत है। पावर रखने वाले दो देशों की इस दोस्ती से पड़ोसियों को जलन तो होगी ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।